बहुत समझाने के बावजूद भी समाधान न हुआ। आखिर में मैंने एक रात 2 बजे मेरे 2 अंकल की उपस्थिति में अपना घर बिना कुछ भी साथ लिए छोड़ दिया। उस वक्त मेरे पास सिर्फ 50 रुपये थे। एक बार मैं कहीं जा रहा था, वो रास्ता एक सुनसान गली से होके गुजरता था। उस वक्त नई नई जवानी चढ़ रही थी और अपने आप में हम बादशाह हुआ करते थे। डर का तो कोई नामो निशान नहीं था। रात का वक्त था और मैं अपनी मस्ती में वहाँ से गुजर रहा था। गली में कोई नहीं था, तभी अचानक से मेरी पीठ पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने जोर से मारा हो। दर्द हुआ और धक्का भी लगा। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो गली में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। बस मेरी हवा टाइट हो गई और मैं और तेजी से चलने लगा। जैसे तैसे करके वो सुनसान गली क्रॉस करके मेन रोड पर पहुंचा और चैन की सांस ली। उस दिन लगा कि भगवान हनुमान हमेशा मेरे साथ है, वरना कुछ भी हो सकता था। कुछ तो था वह, पर हनुमान जी की भक्ति की ही वजह से मुझे कुछ नहीं हुआ। ये बात 1985 की है। पिताजी के निधन के बाद माताजी से भारी अनबन हो गई थी। माताजी और मेरे ननिहाल वाले मुझे अपनी पत्नी को डिवोर्स देने के लिए भारी दबाव बना रहे थे, जो मुझे कतई मंजूर नहीं था। हम दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे, जो आज भी कायम है। मैंने पत्नी को कुछ समय के लिए मायके भेज दिया। उस वक्त मेरा बड़ा बेटा कुछ ही महीनों में जन्म लेने वाला था। बहुत समझाने के बावजूद भी समाधान न हुआ। आखिर में मैंने एक रात 2 बजे मेरे 2 अंकल की उपस्थिति में अपना घर बिना कुछ भी साथ लिए छोड़ दिया। उस वक्त मेरे पास सिर्फ 50 रुपये थे। घर छोड़ने के बाद अंकल और मेरे दूसरे रिश्तेदार चाहकर भी मेरी मदद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो सब लोग मेरी माताजी से डरते थे। वैसे भी सब लोग मेरी वजह से मेरी माताजी से रिश्ता खराब नहीं करना चाहते थे। मेरे एक मित्र की मदद से उसके घर के उपले हिस्से पर किराए की एक खोली मिल गई। हर दिन लोग नई नई मुसीबतें खड़ी कर रहे थे। गांव में बेटे का जन्म हुआ, लेकिन मैं अपने लिए और मेरे बच्चे के लिए कुछ भी जुटा नहीं पा रहा था। आखिर में मैंने हनुमान चालीसा में बताए गए उपाय का शरण लिया। शनिचर रात को 108 टाइम हनुमान चालीसा करने का संकल्प किया। प्रथम 3 शनिचर पूरा न हो पाया, शायद हनुमान जी मेरी कसौटी करना चाहते थे। आखिर 4th शनिचर को उन्हीं की कृपा से संपन्न हुआ। वक्त रहते धीरे धीरे मुश्किलें कम होती गई, पैसे की आय भी बढ़ने लगी। 3 साल पूरे होने से पहले ही मेरा अपना घर भी खरीदने में कामयाब हो पाया। आज के वक्त में मैं और मेरा परिवार सुख चैन की जिंदगी जी रहे हैं और मेरा छोटा बेटा भी अमेरिका में सेटल हो गया है। देखा आपने, यही तो है हनुमान जी। हनुमान चालीसा में लिखा है, छुटे ही बंदी महासुख होई, जीवन की सारी तकलीफें दूर होगी और सुख की प्राप्ति होगी। हमारा मानना है कि यदि जीवन में दुख ना हो तो इंसान के अंदर जीवन में सुख ढूंढने की चाहत खत्म हो जाएगी। जब तक दुख है तब तक ही सुख की प्राप्ति के लिए इंसान तड़पता है, कुछ करने की चाहत रखता है और जीवन को मकसद के साथ जीना शुरू करता है। और रही बात तकलीफ दूर होने की, तो आप परमेश्वर पर जब ये छोड़ देते हैं कि हमारे जीवन का रखवाला वही है, वो जो भी करता है वह हमारी क्षमता को देख कर ही करता है, अर्थात भगवान परीक्षा भी उसी की लेते हैं जिसको वो पूरी तरह से सक्षम बनाना चाहते हैं। हनुमान जी आपको हर मुश्किल से बचाएंगे और आपको वहाँ सब कुछ देंगे जिसके आप अधिकारी हैं। अगर आप ऐसे ही हनुमान जी से जुड़ी जानकारी एवं चमत्कार जानना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय सिया राम।